चले न फल तोड़े, उल्टा माली से मार खाए। इस उम्र में गए क्यों थे बाग में फल चुरा के खाने के लिए? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है इस भरपूर जवानी में ये हमाकत की ही क्यों? गर्लफ्रेंड की फरमाइश थी किसी दरख्त के फल खाने हैं और हम ठहरे जवान, जवानी में जोश मारा, हम भी चढ़ गए दरख्त पे, पांव फिसला और धड़ाम साए। अच्छा, मगर कल शाम को तो डॉक्टर को आपके रूम से मैंने निकलते हुए देखा था। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके किरायेदार बाथरूम में स्लिप कर गए थे, इस वजह से उनके हाथों में फ्रैक्चर आया है और आप तो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। अरे तो क्या सबको अपनी रामलीला सुनाता फिरूं? क्या बताता उनको कहां चढ़ के गिर गया था? हाय हाय, जूस तो पिला दो, बड़ी वीकनेस हो गई है, सुबह से कुछ नहीं खाया पिया। हाय, लीजिए पीजिए। अरे जालिम, अपने हाथों से पिला दो। हाय लीजिए, बहुत शुक्रिया। आए कमीना कंगला हर की कतुल हवास कहीं का। यार रिलैक्स हो जाओ, क्या हो गया? क्या उसकी हिम्मत तो देखो, मेरी नाइटी उसने चोरी करके रख ली है। वेरी फनी बलात्कारी बुड्ढा, रोजाना मेरी नाइटी के साथ भी बलात्कार करता होगा। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें बिला वजह। यार वो तेरी नाइटी के साथ बलात्कार कैसे कर सकता है? वो कैसे तुम कह सकती हो? अरे वो क्या बलात्कार करेगा, वो तो खुद ढूंढता फिरता है मर्दानगी के नुस्खे। हाँ मगर बुड्ढे के पास से कुछ मिला नहीं। अरे मेरी जान, गरम गरम हलवा खाओगी तो जबान जल जाएगी, ठंडा करके खाओ। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। मतलब ये कि उसके गले में जो चाबी हर वक्त लटकी रहती है ना, वो किसी तिजोरी की है और पता लगाना तुम्हारा काम है। प्यार प्यार से गलवाओ ना। इन मर्दों से ना पैसे निकलवाना ऐसा ही है जैसे बिल्ली के गले में घंटी बांधना। अगर ये बात बीवी बोलती ना अपने शोहर के लिए तो काबिले कबूल होती। क्या मतलब? यार हर बात का मतलब क्यों पूछती हो तुम? मतलब ये कि तुम्हारी माँ ने या मेरी माँ ने कभी हमारे बापू से इतने पैसे लिए थे क्या? बता। नहीं ना। तो हाँ, हमारी माओ ने तो अब्बू से कभी इतने पैसे नहीं लिए, हालांकि मेरा बाप तो माँ को 100 रुपए देने के लिए भी तड़पा तड़पा के देता। वैसे इस कमीने ने पैसे ना होने पर भी तुम्हें 2 लाख रुपए दे दिए ना। वहाँ कमरे में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको फिर उनको ही देखते हैं।
अब तो आप मुकम्मल ठीक हो चुके हैं, तो फिर भी मुसलसल यहाँ क्यों पड़े? उनको देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि कोई बीमार का हाल अच्छा है। इतनी मेहनत, अगर कारोबार में कर ली होती तो आज इतने कंगले ना होते। कभी हम भी बड़े रईस थे। अच्छा, तो ये किस जमाने की बात है? कभी हमारे बड़े बंगले थे, कंगले हम अब भी नहीं है। जब चाहे जहां चाहे महल बना सकते हैं अपनी मुमताज की। आपने अपनी दौलत कहाँ छुपा रखी है? बता देंगे, वक्त आने पे सब कुछ आपको बता देंगे। बता देंगे। ऐसा बहुत स्वीट है। आइए आइए। वो आपको तो पता है कि जूली वैसे है तो मेरी बहन, पर उसूलों की इतनी वो सख्त है। अब इस रूम का भी रेंट उसने बढ़ा के 30,000 कर दिया है, बस वही आपसे लेने आई थी मैं। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात? अभी दे देते हैं पैसे, ऐसे कई हजार तुम पे कुर्बान कर सकता हूँ मैं। यू आर सो स्वीट। अच्छा, अब अपने हाथों से जूस तो पिला दो। तुम्हारे जूस में इतना नशा है, तुम्हारे प्यार में कितना। आज यही रुक जाओ। वो रुक तो जाऊं मैं, लेकिन आपको तो पता है जूली का मुंह बंद करने के लिए मुझे उसके मुंह पर कुछ पैसे मारने पड़ेंगे। हाँ तो पैसे मारो उसके मुंह पे, मैं रात को दरवाजा खोल के सोऊंगा, तुम आ जाओ। अच्छा, तो फिर निकाले 10,000 रुपए? 10,000 में पैसे 10 आ जाते हैं। क्या कहा आपने? नहीं नहीं नहीं, वो मेरा मतलब है 10,000 ही। तुम ज्यादा भी कहोगी तो मैं भी देगी। रही साहब, बस 10,000 रुपए में ही पता चल गया कितना प्यार है आपको मुझसे। अच्छा, आप गुस्सा खत्म भी कर, मिल जाएंगे पैसे। मैं तो आज की रात यादगार आ जाता। तो फिर उसकी तैयारी के लिए भी तो कुछ खर्चा करना पड़ेगा, तो 5,000 निकाले। 5,000? हाँ 5,000 हम भी दे रहे हैं, आप तो खुश ना। ये देखो किरण, ये मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। वाओ, ब्यूटीफुल। थैंक्स जूली। थैंक्स किस बात का? जो भी है हम दोनों का तो है, 50-50 करेंगे, याद रखना। ओके ओके मैडम, मैं समझ गई। और हाँ, ये नाइटी भी तुम्हारी आज के लिए। उस शट अप जूली, मैं कौन सा उस खत्ती महेश के पास जा रही हूँ? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना पागल, तुम्हें जाना है उसके पास। मगर जूली। अरे बाबा मेरी बात तो सुन। सौ कमीने मरे थे ना, तू एक पैदा हुई थी। अच्छा, उसने तुझे 15,000 रुपए दिए थे क्या आज की शॉपिंग के लिए? हाँ। अच्छा, तो फिर तुझे भी तो उसको कुछ देना चाहिए। दूंगी ना। क्या? वायग्रा की गोली। बताओ आज कैसी लग रही हूँ मैं? हॉट लग रही है बहुत। अच्छा सुन, उसे शक तो नहीं होगा? नहीं नहीं, तू ऐसी शक्ल बनाएगी तो हर किसी को शक होगा। क्या करूं मैं? कुछ नहीं, तो जा उसको दूध पिला। अच्छा, और अगर वो रात को जाग गया तो? ये देख, एक और गोली मैं डाल रही हूँ, वो नहीं जागे। चल ठीक है, तू जा जल्दी, प्रकाश आने वाला है, मैं भी जाके तैयार हूँ। ओके। Thank you.
हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारी मजीद और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा।